Hey guys, this is Manisha Yadav. Welcome back to PTS CAT Expert. So today's topic is regarding to door family. Door family Revit architecture के अंदर किस तरीके से बनती है, different types के door आप किस तरीके से बना सकते हो वो मैं आज यहाँ पे बताने वाली हूँ। जैसे मेरे पास में एक सैम्पल है डोर का, ये डोर जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये हम बनाने वाले हैं अपने डोर फैमिली के अंदर, राइट। तो चलिए चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ, और अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती है तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज के लिए अपडेट्स मिलते रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डोर फैमिली बनाने के लिए मुझे फैमिली टेम्पलेट के अंदर जाना पड़ता है। अगर मैं कोई भी चीज़ कस्टमाइज करके अपने हिसाब से बनाना चाहती हूँ तो आपको वहाँ पे टेम्पलेट्स ओपन करने पड़ते हैं। डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे अगर फर्नीचर बनाना है तो फर्नीचर का टेम्पलेट अलग होता है, डोर बनाना है तो डोर का टेम्पलेट अलग होता है, विंडो बनानी है तो विंडो का टेम्पलेट अलग होता है। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं। सो हम डोर बनाने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे न्यू फैमिली एंड देन गो टू मेट्रिक डोर एंड ओके। अब यहाँ पे ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको एक नजर आएगा सिंपल ओपनिंग, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपके पैरामीटर्स ऑलरेडी एडेड हैं, विड्थ के, लेंथ के एंड देन उसके बाद में आपके हाइट के, ओके। से यहाँ पे विड्थ के और हाइट का यहाँ पे ऑलरेडी एडेड होगा आपका सी दिस वन, ओके। इन पैरामीटर्स को हम खुद से भी ऐड कर सकते हैं। अभी जिस भी साइज का मुझे डोर बनाना है, जैसे मैं इसमें 3D व्यू करती हूँ तो यहाँ पे ओपनिंग होगी, ये जो प्रोजेक्शन आपका यहाँ पे लेवल्स लगा रखे हैं मैं इनको हाइड कर देती हूँ। देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी ओपनिंग है। जिस भी साइज का मुझे डोर बनाना है आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, जो भी पर्टिकुलर साइज आपको बनाना है डोर को। मुझे एक यही डोर चाहिए तो जो भी साइज का है हमारे पास में। फिर उसके बाद में मुझे इसके अंदर बनाना है फ्रेम। जैसे कि आपको इस पिक के अंदर नज़र आ रहा है कि यहाँ पे चारों तरफ इसके फ्रेम बना हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी भी आपका फ्रेम बना हुआ मिलता है आपको, सी दिस वन। बट ये क्या है, ये यहाँ तक का ही है और ये इस साइड में इस साइड वाले तक का है। आप चाहते हैं इसको बिल्कुल प्रॉपर, जैसे हमारा जो फ्रेम बनता है वो यहाँ पे प्रॉपर आपका इस कटिंग के अंदर अंदर आता है, तो वो भी आप बना सकते हैं। वो किस तरीके से बनेगा, जैसे मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। ये मेरे पास में सिर्फ ओपनिंग ओपनिंग है, राइट। तो अभी मुझे अगर फ्रेम बनाने का है तो मैं इसको स्वीप के थ्रू भी बना सकती हूँ। स्वीप के थ्रू कैसे करेंगे, पिक द पाथ एंड देन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। नाउ उसके बाद में हमें जाना पड़ता है, चेक करते हम एंड देन सेलेक्ट एंड देन एड इट प्रोफाइल। अब यहाँ पे बना देते हैं हम लोग, जैसा भी मुझे चाहिए होगा वैसा मैं यहाँ पे बना देती हूँ। जैसे मुझे ऐसा बनाने का है तो मैंने ऐसा बना दिया, ओके। चेक एंड देन चेक से दिस वन। थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड बनाना है, ज़्यादा ब्रॉड बना सकते हो। एडिट कर देती हूँ मैं स्वीप को वापस, सेलेक्ट करके वापस एडिट प्रोफाइल एंड देन आप इसको मूव भी कर सकते हो थोड़ा आगे की ओर। ये देख अब यहाँ पे चेक कर देते हैं, देखिए ओके। अब ये इस प्रकार का आपका जो फ्रेम है वो बन गया है। आप चाहे तो इसको एक्सट्रूजन से भी बना सकते हैं, जैसे मैंने स्वीप का यूज़ किया है। फिर उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे, जैसे फ्रेम हमारा बन गया, अब इसके बीच में हमें पैनल बनाना है। पैनल बनाना है तो सबसे पहले तो हमारा एक पूरा का पूरा सॉलिड पैनल बनेगा, फिर उसके अंदर यहाँ पे कटिंग होगी, फिर उसके बाद हम सॉरी ये बनाएंगे, देन उसके बाद यहाँ पे कटिंग होगी जिसमें हम ग्लास ऐड करेंगे, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर मुझे ग्रूव्स कट करने, ग्रूव्स कट करेंगे, देन हम इसमें हैंडल प्लेस करेंगे, राइट। तो इस तरीके से करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे ग्लास टाइप बना देती हूँ। आप चाहे तो थिकनेस जो है अपने पैनल की थिकनेस अगर आपको एडजस्ट करनी है जिस भी साइड में, जैसे आपको प्लेस करना है लाइक दिस वन, ये आपका एक्सटीरियर साइड है, तो मैं इन दोनों के बीच में एक पैरामीटर ऐड कर देती हूँ, डायमेंशनल पैरामीटर। ये हमारी थिकनेस ऑफ पैनल का मैं ऐड कर दूंगी, सेलेक्ट किया डायमेंशन को, डायमेंशनल पैरामीटर। देन यहाँ पे हमारा हो गया
थिकनेस। ओके देन ओके, ठीक है। ओके करने के बाद में अब यहाँ पे थिकनेस ऑफ पैनल जो हमारा ऐड हो गया है, अभी यहाँ पे हम चलते हैं और फिर उसके बाद में यहाँ पे थिकनेस के अंदर जाके, वेयर इज दिस वन, थिकनेस के अंदर जाके मैंने 20 ऐड कर दिया। ऐड एन ओके, सी दिस वन, ये आपका बिल्कुल इसके पास में एडजस्ट हो गया, राइट। तो अभी मुझे क्या बनाना है, अभी मुझे यहाँ पे पैनल बनाने का है, तो मैंने यहाँ पे ये बना दिया। लॉक कर देते हैं सबको, ताकि जैसे ही मैं इसकी थिकनेस को रिसाइज करूं, ये भी साथ में रिसाइज हो जाए। चेक। चलते हैं हम लोग एक्सटीरियर साइड में। एक्सटीरियर साइड में जाने के बाद मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करा देती हूँ। सॉरी नॉट हियर, हियर इट इज। चाहे तो आप इसको अलाइन भी करा सकते हो। ओके नाउ, फिर उसके बाद आपका आता है यहाँ पे, ये सारा कुछ हो गया है, अभी कटिंग करनी है। सॉरी, उससे पहले मुझे बनाना है इस तरीके का जो आर्च जैसा हमारे पास में ये डिजाइन था, ये डिजाइन मुझे ऐड करना है, क्लियर। तो डिजाइन ऐड करने का है, तो आप डिजाइन भी ऐड कर सकते हैं। अब डिजाइन जैसे ऐड करना है मुझे, तो चलते हैं हम लोग एक्सट्रूजन पे। एक्सटीरियर साइड आपकी सेट है, यहाँ पे एक्सटीरियर प्लेन ही आपका सेट है, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको करना पड़ सकता है। फिर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे बनाना है, तो हम लोग ले लेते हैं पहले लाइन, और मैं इसके मिड टू मिड बनाना चाहूंगी। ये लीजिए, एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे आर्क लगा दी। जैसी भी चाहिए, जो भी चाहिए आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपको ये थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो आप ज्यादा भी स्ट्रेच कर सकते हैं। चलिए हम कर ही देते हैं, इसकी मुझे नीड नहीं है अभी। मैं इसको थोड़ा स्ट्रेच कर देती हूँ, जितनी भी लेंथ इसकी चाहिए। जैसे मुझे यहाँ पे 640, देन यहाँ पे भी हम लोग 640 कर देते हैं। ओके नाउ आर्क ले लेते हैं यहाँ से, यहाँ, एंड देन उसके बाद हम लगा देते हैं इस तरीके से, क्लियर, बिल्कुल इस तरीके से। ओके अभी ये प्लेस करने के बाद में हमने चेक कर दिया। चेक किया तो रेफरेंस प्लेन में जाके मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ये मैंने बिल्कुल इसके फिट होता हुआ बना दिया था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ से मैं इसको एक और रेफरेंस प्लेन लगा देती हूँ, ताकि मैं थिकनेस पैरामीटर उसमें दे दूँ। डिलीट इट, सेलेक्ट एंड प्लेस हियर, देन वी हैव टू गो देयर एंड ऐड द थिकनेस। अब जो हमने एक्सट्रूजन बनाया था उसको हमें यहां एडजस्ट करना पड़ेगा। रिमूव द कॉन्स्ट्रेंट्स एंड देन रिमूव द कॉन्स्ट्रेंट्स। ओके अब ये देखो, इस पे प्रॉपर प्लेस हो गया इस तरीके से। अगर ये हमारा नहीं होता तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे हम थोड़ा सा पीछे करके ही बनाते, तो आपको प्लेन जो आपका थिकनेस पैरामीटर है वो थोड़ा दूर ही आप अप्लाई कीजिएगा, राइट। अभी हम एक्सटीरियर साइड में जाते हैं, देखो ये प्रॉपर सेट हो गया इधर। अब ये प्रॉपर सेट हो गया, कटिंग किसमें करनी है, इस पैनल में करनी है मुझे कटिंग, है ना। कटिंग यहाँ पे करनी है हमें इतने इतने पोर्शन के अंदर, क्लियर। तो कटिंग करने का है, तो किस तरीके से करेंगे हम लोग, यहाँ करेंगे भाई, यहाँ इसकी स्ट्रेटनेस में। तो चलते हैं हम लोग कटिंग करने के लिए, आपको वर्ल्ड एक्सट्रूजन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सट्रूजन के अंदर कटिंग कर रहे हैं हम, तो वर्ल्ड एक्सट्रूजन शेप हम ले लेते हैं एंड देन अप्लाई कर देते हैं। लाइक मुझे इतना वो करना है,
और यहाँ से मैं करीब ऑफसेट लगा देती हूँ 450। देखिए आप कस्टमाइज कर सकते हैं एज पर योर नीड, मैं मेरी जो नीड है उसके हिसाब से कस्टमाइज कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे हटा दिया है। ओके अभी मैं इस आर्क को पिक कर लेती हूँ एंड देन इनको भी ट्रिम कर देते हैं। ये देखिए हो गया। अभी इतना होने के बाद में अब आपको यहाँ पे चेक कर देने का है। चेक कर दिया है तो हम इसको रियलिस्टिक कर देते हैं, देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे कटिंग हो गई है। 3D कर लेते हैं एक बारी तो समझ में आएगा कि भाई यहाँ पे भी आपकी कटिंग जो है वो हो चुकी है। ओके ये कटिंग होने के बाद में अब इसके अंदर आपको ग्लास सेट करना है। ग्लास सेट करना है तो वापस चलते हैं एक्सटीरियर पे एंड देन यहाँ पे जाके मैं एक्सट्रूजन बना देती हूँ। एक्सट्रूजन के अंदर जो शेप मैं पिक करती हूँ वो मैं इसी की कर लेती हूँ, क्योंकि भाई इसी शेप का मेरे को ग्लास लेना है तो मैंने इसी शेप की जो है यहाँ पे एक्सट्रूजन अप्लाई कर दिया है। एक्सट्रूजन अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पे चेक किया और इसको भी आप इसके बीच में सेट करेंगे, जो आपका ये जिसके अंदर आपने कटिंग की है उसी के अंदर आप यहाँ पे सेट करेंगे। इसका भी आप यहाँ पे पैरामीटर, डायमेंशनल पैरामीटर ऐड कर सकते हैं कि भाई आपकी थिकनेस ऑफ योर ग्लास, ठीक है, यहाँ पे दो प्लेन लगा के और यहाँ पे भी आप ग्लास की थिकनेस का कर सकते हैं, अदरवाइज आप वैसे भी सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये अप्लाई हो गया कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपका जो ग्लास है वो अप्लाई हो गया है, ठीक है। अभी बस मटेरियल डाला, मटेरियल पैरामीटर भी हम लोग ऐड करेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे करना है स्ट्रिप्स लगानी है। स्ट्रिप्स लगानी है किस इसकी, जैसे एक तो मुझे यहाँ पे इस तरीके की लगानी है, व्हाइट कलर की स्ट्रिप, ठीक है, व्हाइट कलर की स्ट्रिप लगानी है तो वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। वो हम चलते हैं यहाँ इसके एक्सटीरियर व्यू में, एक्सटीरियर व्यू में चलते हैं तो फिर यहाँ पे भी मेरे को स्ट्रिप लगानी है, तो इसमें भी मैं पहले वर्ल्ड क्रिएट करूँगी फिर उसके बीच में स्ट्रिप अप्लाई कर दूंगी। हम लोग चलते हैं यहाँ पे वर्ड एक्सट्रूजन के अंदर। वर्ड एक्सट्रूजन में यहाँ पे मुझे जितने भी ऑफसेट के ऊपर वो स्ट्रिप अप्लाई करनी है वो ऑफसेट के ऊपर अप्लाई कर देती हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे ऐसे कुछ चाहिए थी, ठीक है, और सिमिलरली आई जस्ट वॉन्ट टू गो देयर 20 एंड फ्रॉम बॉटम। नाउ ट्रिम एक्सटेंड एंड फ्रॉम हियर ऑल्सो अगर मुझे यहाँ पे जैसे इसमें थोड़ा हाइट पे ही है तो हाइट पे ही मैंने अप्लाई किया है थोड़ा सा बाहर निकलता हुआ, ठीक है, ये हमारा हो गया है। और फिर मैंने चेक कर दिया, चेक करने के बाद में मैंने इसको क्लिक किया तो देखिए यहाँ से कटिंग हो गई है, ठीक है। कटिंग होने के बाद में अब इसके अंदर मैं वापस एक्सट्रूजन सेट कर देती हूँ। एक्सट्रूजन मैंने नॉर्मल एक्सट्रूजन लिया है, फिर मैं पिक कर लेती हूँ लाइन्स को, इसको भी सभी लाइन्स को पिक करते हुए बना देती हूँ मैं। पिक भी कर सकते हो, ड्रॉ भी कर सकते हो, देन चेक इट। चेक करने के बाद में इसको बिल्कुल इसके अंदर एडजस्ट कर दो। इसमें थिकनेस कम नहीं होगी, इसमें जितना पैनल है उसी हिसाब से लगेगी, ठीक है। अभी ये सारा कुछ हो गया है यहाँ पे अप्लाई होने के बाद में, तो फिर उसके बाद में अगर मुझे यहाँ पे एक तरीके से लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू गिव दया कि मुझे यहाँ पे ग्रूव्स भी जैसे कट करना है तो वो भी कर सकती हूँ मैं। वो कैसे करना पड़ेगा, पहले तो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा वाइड स्वीप, ठीक है, तो ग्रूव्स लाइक कट हो जाएगा। यहाँ पे मुझे स्केच करना पड़ेगा पाथ, बिकॉज यहाँ पे मेरा पाथ है नहीं। जैसे अगर मुझे ग्रूव्स कट करना है तो मैं इसकी स्ट्रेटनेस में ग्रूव्स जो है वो कट करूंगी। अब जैसे एक बार में एक ही होगा क्योंकि इस साइड में मुझे नीचे करना है, तो नीचे करना है तो पहले एक बार में एक ही कर देते हैं हम, ठीक है। ग्रूव कट करना है तो ग्रूव्स आप कट कर सकते हो, जैसे ये है मेरा, और मैं चलती हूँ स्वीप पे सेलेक्ट मॉडिफाई एंड देन मैं इसमें व्यू जो है वो ओपन कर देती हूँ। व्यू ओपन होने के बाद में आपका यहाँ पे कटिंग होगी इस पे। आ
दिस वन, हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर। तो मैं क्या करती हूँ, मैं राउंड शेप के अंदर करती हूँ रूट की कटिंग, एग्जैक्टली ऐसे। मैंने ज्यादा छोटी कर दी है वैसे, थोड़ा बड़ा कर देते जाते हैं अच्छा रहता। चलो इसको थोड़ा लार्ज कर देते हैं, एडिट एडिट। रहेगा 20 सो लार्ज ना। ओके इसको मूव करा देते हैं जरा नीचे, अदरवाइज ये कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। ये देखिए एक्सटीरियर कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये कट हो गया आपका। ठीक है, इसको थोड़ा आगे तक भी कर सकते थे आप ना, ये जो जैसे इसमें स्वीप है, तो इसमें अगर आपको स्केच पाथ जैसे आगे तक करना है तो आप इसको थोड़ा आगे तक भी कर सकते थे। थोड़ा आगे स्ट्रेच कर देते हैं, देन चेक कर देते हैं, तो ये थोड़ा अंदर तक चला जाएगा, तो आप इसमें आपको एंड नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से आप यहाँ पर नीचे बना देंगे। नीचे बनाने के लिए भी आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा स्वीप के अंदर, ठीक है। स्वीप के अंदर भी आपको स्केच पाथ करना पड़ेगा हेयर। अब चाहे तो मैं इसका ऐसा भी कर सकती हूँ, इसको जैसे क्रॉस कर देती हूँ मैं, मुझे नहीं चाहिए ये। चाहे तो मैं इसको ऐसा भी कर सकती हूँ कि ये जो स्वीप मैंने किया है ये वाला, इसको आई जस्ट वॉन्ट टू मिरर मिरर करवा देते हैं हम लोग, है ना। तो मिरर करवाने के लिए मुझे इसका मिड पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। ये मिड पॉइंट हो गया और ये एग्जैक्टली नीचे आपका बन जाएगा, ठीक है। अब ये जैसे बन गया प्रॉपर आपका, फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आपका यहाँ पे हैंडल बचता है, जैसे कि यहाँ पे ये हैंडल लगाने, अगर हैंडल लगाना बचता है तो आप यहाँ पे इसके ऊपर भी अगर आपको स्ट्रिप्स बनानी है तो स्ट्रिप्स आप बना सकते हैं। स्ट्रिप्स अगर बनानी है तो इसमें भी सिमिलर वही आपका पाथ है, बिल्कुल सेम वही। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे वर्ल्ड एंड देन स्वीप। प्लेन पिक कर लेते हैं, प्लेन मैंने पिक कर लिया राइट, और मैं यहाँ पे स्केच करती हूँ पाथ को। आपको जहाँ कहीं भी बनाने का है वहाँ कहीं बना सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ बनाना है ये लो। ओके ये बनने के बाद में आप जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो मैं इसको चेक कर देती हूँ। चेक करने के बाद में हम लोग वापस चलते हैं सेलेक्ट इन एडिट एंड देन व्यू ओपन कर लेते हैं, एंड देन यहाँ पे भी बना देते हैं। कहाँ पे है हमारा पाथ, इधर है। एक बार मिनिमाइज करके देख लेते हैं कहाँ से क्या चीज़ बन रही है। ओके और इसमें भी मैं सेम आपका बना देती हूँ, जैसे मुझे 5 का ही बनाना है तो हम 5 का ही बना देते हैं। चलो यही सही है ना। ओके अब देखते हैं एक्सटीरियर में, ये देखिए ओके। अब इसी तरीके से आप इनको बना सकते हैं एग्जैक्ट वैसे ही जैसे आपको चाहिए होता है। कॉपी मल्टीपल कॉपी यहां से कर लेते हैं 200। हो गया, और करना है तो और भी कर सकते हैं, एंड देन 200। ओके तो इस तरीके से आप स्ट्रिप्स बना सकते हैं। वो स्ट्रिप आपकी बन गई है,
अब इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, अब इसमें एक एक चीज़ को सेलेक्ट करके मुझे पैरामीटर्स ऐड करने पड़ेंगे। पैरामीटर्स किस तरीके से ऐड करेंगे, जैसे ये है हमारा फ्रेम है ना, फ्रेम को सेलेक्ट करके इधर यहाँ पे मटेरियल कैटेगरी आएगा, यहाँ पे चलेंगे एंड देन गो टू पैरामीटर। पैरामीटर प्रॉपर्टी में यहाँ पे मैं कर दूंगी FRAME फ्रेम मैट। ओके, मैंने यहाँ पे फ्रेम मैट का मटेरियल ऐड कर दिया। फिर उसके बाद ये जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन का मटेरियल यहाँ पे ऐड कर देते हैं। डिज़ाइन का मटेरियल यहाँ पे ऐड कर देंगे तो डिज़ाइन का यहाँ पे डिज़ाइन मैट। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका आता है पैनल का, जैसे ये जो पैनल है इसका मटेरियल। फिर उसके बाद इसमें ये जो बचता है आपका जो स्वीप बचता है, स्वीप का हम लोग कर देते हैं। नाम आप जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं आपकी नॉलेज के लिए। और फिर यहाँ पे ग्लास आता है, ग्लास मैट। ओके, नाउ जितने भी मटेरियल्स आपने बनाए हुए यहाँ ऐड हो गए, जैसे डिजाइन है, डिजाइन पे हमारा कौन सा कलर है, पर्पल, पर्पल कलर है, पर्पल टाइप कुछ है, तो ऐसा कुछ मटेरियल आप कर सकते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, बना लेते हैं हम अपना मटेरियल। जैसे मेरे पास में कुछ इस प्रकार का मटेरियल है, ओके। ये मटेरियल अप्लाई होने के बाद में अब यहाँ पे फ्रेम का कर देते हैं। फ्रेम में कैसा है, फ्रेम में आपका चॉकलेट कलर का है, बनाने को बना भी सकते हो। मटेरियल जो है वो बिल्कुल बेसिक रेविट आर्किटेक्चर के अंदर आता है, बनाना कैसे है, अप्लाई कैसे करना है, पेंट कैसे अप्लाई करना है, पेंट में कैसे ऐड होता है, सब कुछ आपका बेसिक जो रेविट आर्किटेक्चर होता है उसमें आता है। फिर उसके बाद अगर आपको ज़्यादा मतलब इन डेप्थ में अगर आपको रेविट सीखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पिक किया है थोड़ा डार्क चॉकलेट कलर, राइट। ये भी अप्लाई हो गया है। उसी तरीके से ग्लास, ये ग्लास पैनल का कैसा था हमारा, पैनल का भी हमारा इसी प्रकार से, तो पैनल का हमारा ये है तो हम यही डाल देते हैं। ओके, नाउ ये स्वीप का बचता है, इसमें सिल्वर कलर डालना है। अब सिल्वर कलर तो आपको तब दिखेगा जब आप यहाँ पे रेंडर करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या डाल देती हूँ, जैसे मल्टीपल मेटालिक टेक्सचर है आपके पास में, कैसा भी यूज कर सकते हो। लाइक मैं ये क्रोम यूज कर रही हूँ, है ना, पॉलिश जो क्रोम है। ओके एंड देन ओके, अब यहाँ पे ये हमारा ऐड हो गया। अभी इनमें क्या करने का था, इनमें भी तो हमारा ऐसा ही करने का था, पेंट, कौन सा मटेरियल था, थर्ड, टैब के साथ क्लिक कर करके सब पे मटेरियल अप्लाई कर दो।
इस पे भी अगर डिफरेंट दिखाना चाहते हो तो इस पे भी कर सकते हो, थोड़ा अलग रेंडर करोगे तो अलग से आपका प्रॉपर तरीके से आएगा। ओके तो ये हो गया है आपका। अब यहाँ तक की जर्नी थी आपकी डोर बनाने की, ठीक है। अभी डोर बनाने का हमारा हो गया है तो मैं इसको सेव कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको डोर वन के नाम से डेस्कटॉप पे जो है वो सेव कर दिया, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसके ऊपर हैंडल अप्लाई करना है। तो हैंडल के लिए आपको वापस जाना पड़ेगा न्यू फैमिली के अंदर, फैमिली में टेम्पलेट आपको चूज करना पड़ेगा फेस बेस्ड। यहाँ पे आता है जेनरिक मॉडल फेस बेस्ड, जेनरिक मॉडल दिस वन, जेनरिक मॉडल फेस बेस्ड। ओके अब यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपके पास में आया हुआ है। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ, ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास में आएगा। मुझे ये बनाना है, जैसे कोई भी हैंडल मुझे अगर बनाना है तो मैं यहाँ से बना सकती हूँ। जैसे मैं रिवॉल्व का यूज करके यहाँ पे हैंडल बनाने चाहती हूँ, तो आई जस्ट वॉन्ट टू दिस वन, जो भी हैंडल की ज्योमेट्री है अब हमें बना सकते हैं। मुझे जैसे कुछ इस प्रकार से बनाना है, ये लीजिए। इन द नेक्स्ट लाइन मैंने बता दिया है, ये लीजिए, ठीक है। अभी जैसे ये हैंडल हमारे पास में बन गया है, इसका मटेरियल मैं यहाँ पे पैरामीटर अप्लाई कर देती हूँ, हैंडल मैट। ओके इसमें हैंडल मैट नाम से आपका आ जाएगा, और यहाँ पे भी आप हैंडल जो है वो अपना अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं इसका भी मटेरियल जो है वो पिक कर लेती हूँ, जो भी जैसा भी मुझे, जैसे यही वाला लेना है मुझे तो मैंने यही पिक कर लिया। ओके इसको भी सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद मैं इसको भी यहाँ पे HANDLE हैंडल के नाम से सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं इसी हैंडल को लोड करवा देती हूँ अपने डोर वाले में। डोर में लोड करवाया तो मैं इसके 3D में चली गई। 3D में जाने के बाद उप्स, ये हैंडल काफ़ी बड़ा बन गया है। तो लगने को ये लग तो जाएगा, ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन गया है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करके इसकी फैमिली को एडिट कर देते हैं। जैसे काफ़ी ज़्यादा बन गया है हमारे से, तो हम क्या करते हैं इसको छोटा कर देते हैं एडिट। तो आई जस्ट वांट टू, इसको हम इरेज ही कर देते हैं। ये देखिए लग गया, लोड इन टू द प्रोजेक्ट करवा देती हूँ मैं। वॉल बनाते हैं कोई, हमारे पास में डोर है, मैंने प्लेस किया। प्लेस करने के बाद मैं इसके 3D व्यू में जाती हूँ और हम देखते हैं कि ये हमारा यहाँ पे डोर बन गया। ठीक है, ये डोर हमारा यहाँ पे बन गया है प्रॉपर। देन उसके बाद हमारा यहाँ पे जैसे जो भी हम इसमें सेलेक्ट करेंगे
तो इसका हमारे यहाँ पे सारा कुछ, जैसे जो मटेरियल वगैरह थे वो सारा कुछ आएगा यहाँ। क्लियर? तो ये था हमारा डोर बनाने का तरीका कि किस तरीके से कि किसी भी प्रकार का हम जो डोर है वो बनाते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।